नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। गाजीपुर जिला अंतर्गत ग्राम सभा ठदनी रणवीर राय निवासी विजय नारायण ने 2024 के चुनाव के मुद्दों पर बोले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी, महंगाई सीमा से बाहर है और नौकरी के नाम पर मिल रही सरकार। बच्चे पैसा लगाकर फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं, पता चलता है कि पर्चा लीक हो गया। 5 किलो राशन देने से गरीबी दूर नहीं होगी और गरीबी बढ़ गई है। समय जगत चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन किया कि सरकार बेरोजगारी दूर करे। उपस्थिति रहे लोगों में डॉक्टर गणेश, संजीव कुशवाहा, विजय नारायण राय आदि लोग मौजूद रहे। सर, अपना परिचय बताएं। विजय नारायण राय, ग्राम ढरणी, जिला गाजीपुर। सर, इस समय 2024 के चुनाव में हर पार्टी अपने विचार रख रहे हैं कि हम जीतेंगे। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि जो है जनता उसी को वोट करेगी जो बेरोजगारी, महंगाई और जो है क्या नाम है कि इसको देखे उसके। आज हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी है, जो है क्या नाम है कि लोग जो है खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। बताइए, जो है तेल हो चाहे मतलब जो है हर चीज़ महंगा हो रहा है। तो हमारी तो अपील यही है कि हम उसी को वोट करेंगे जो इन चीज़ों को दूर करें। सर, आप भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि हमारी सरकार में गरीबी को मुद्दा हट गई है। गरीबी का मुद्दा हट नहीं गई है, गरीबी बढ़ गई है। गरीबी बढ़ गई है, मुद्दा हट नहीं गया है। मुद्दा कहाँ से आज आम लोग जो है क्या नाम है कि मतलब घर में बच्चे जो है पढ़ लिख कर तैयार हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। एक जो है चीज को भरने में 400-500 रुपए फॉर्म का खर्च हो रहा है और जो है तैयारी करके जा रहे हैं और पेपर लीक। तो जब तक कमाने का जरिया नहीं होगा, गरीबी दूर कहां से होगी? 5 किलो अनाज से होगी? यही हमारा कहना है। गाजीपुर से खबर समय जगत के लिए राम प्रवेश राय की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल and press the bell icon.